नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटों का समय आप सभी के झुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, यश में आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यश में आप सभी के शत्रु जाल बिछा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके गुप्त दुश्मन हैं, जो आपके मुंह पर अच्छी बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र ये कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 48 घंटों का समय आपके लिए संभलने का समय है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं दोस्तों, इन्हें जानना, इन्हें समझना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो अगले 48 घंटों का समय आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली समय साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, यश में ग्रह की स्थिति जो है वे आपके लिए अनुकूल है और ग्रह आपके पक्ष में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जहाँ पर शुभ ग्रह होते हैं वहाँ पर कुछ अशुभ ग्रह भी अवश्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो दुश्मन है ये आपके झुनकाल के अशुभ ग्रह है। और दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको इनसे कैसे सावधान होना है और कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक होंगे, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्हें ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों का समय जो ग्रहों की स्थिति बनी है यश में, अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, जो भी जातक इन बातों को मिस कर देगा उन्हें धर धर आंसू रोना पड़ेगा। और जो भी जातक आज के वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेगा दोस्तों, उन सभी के झुनकाल में खुशखबरी ही खुशखबरी रहने वाली है। जी दोस्तों, आप हर क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे। यूं कहें, अगले 48 घंटों का समय आपके लिए हीरे शिवी कीमती समय साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप शिवी को बता दें कि दोस्तों, यह समय आप शिवी के झुनकाल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, इनसे दोस्तों आप शिवी का जीवन ही बदल जाएगा। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, अगले 48 घंटों का समय ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, इसे समय को बिल्कुल ही मिसयूज ना करें। जी हाँ दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण बात हम आप शिवी को बताने वाले हैं दोस्तों, इन सभी को आपको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों का समय जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ही प्रबल है और शत्रु भी आपके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हावी होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा बस आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि अगर आप कोई वीडियो देखे हो या फिर नहीं देखे हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, आपके ऊपर आपके परिवार के कई सदस्य हैं जो कि आपके ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने भलाई और अपने परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमें कहते हुए यह बात बहुत ही बुरा लग रहा है, परंतु यह बातों को आपके सामने लाना उतना ही जरूरी है जितना कि जरूरी आपको इस वीडियो को देखना। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपके पीछे बहुत सारे शत्रु लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको जान से मार देना चाहता है। दोस्तों, एक दो शत्रु नहीं है बल्कि 4 से 5 शत्रु है जो कि दोस्तों आपको बर्बाद करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, उनमें से 3 ऐसे शत्रु हैं, 2 से 3 ऐसे शत्रु हैं जो कि आपको जान से ही मारना चाहता है। और दोस्तों, आप सभी को बताया था कि यश में यह शत्रु ताकतवर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, और धीरे धीरे ये ताकतवर ही बनते जा रहा है। आप सभी को बता दें कि ये जो शत्रु है, ये 3 शत्रु काफी शक्तिशाली है जो कि आपको जान से मारना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ये चाहता है कि आप कब इनके जीवनकाल से हट जाएं और ये पूरी तरह से आपके जीवनकाल में राज कर सके। आपके बताए हुए बातों पर, आपके जो भी बात आपने किसी को बताई है, जो भी आपने लाभ के मौके बताए, को भी ऐसे गुप्त राज किसी को बताए हैं, उन्हें जानकर ये आपके सारे लाभ को लेना चाहते हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, ये आपके जीवनकाल में आपके जगहों पर ये राज करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में ये जो शत्रु है काफ़ी ताकतवर बनते जा रहा है और काफ़ी ताकतवर ये है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये आपके पीछे कई सालों से पड़ा है। जी हाँ दोस्तों,
और अब ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल स्थिति में है जब आपको ये जान से ही मारना चाहता है। क्योंकि दोस्तों इनका वजह यह है, आप पिछले कई दिनों से आप अपने जीवनकाल में बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, आप सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने मेहनत से जितना ही धन को इकट्ठा किया है, आप मेहनत से परिश्रम करके जो भी खुशियां पाते हैं दोस्तों, ये खुशियां भी इन्हें देखी नहीं जाती। जी दोस्तों, ये आपके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों यश में आपको इनसे सावधान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। जी दोस्तों, इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको हर एक वह बात बताएंगे जिनसे आप इन सारे दुश्मनों से बच पाएंगे, उनसे छुटकारा भी पाएंगे। और कौन व्यक्ति है, इसका नाम क्या है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वह भी बताएंगे, संकेत देंगे जिनसे आप इन्हें अच्छी तरीके से पहचान भी पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, अगर आप इन्हें अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों आप सभी का कोई भी इंसान बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले। जी दोस्तों, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से उपायों को करना है और कौन से कार्य अब आपको नहीं करने हैं, सारे विशेष बात हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों, बात करते हैं सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ, जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा दृष्टि आप सभी को प्राप्त होगी। जीवन काल में आपके संकट इन शत्रुओं से रक्षा आपको करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें, आप इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों ये जो शत्रु है ये आपके गुप्त शत्रु है, ये आपके अपने में ही छिपे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये शत्रु कोई बाहरी शत्रु है या फिर बाहरी लोग आपके ऊपर लगा है। दोस्तों ये शत्रु गुप्त रूप से आपके अपने ही हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपके सारे राज को ये पता करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी बातें आप इनको बताते भी हैं, और इन्हीं बातों को जानकर ये आपको बहुत बार नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि कई बार ये आपको परेशान किया है, कई बार इन्होंने आपको इतने बड़े धोखे दिए हैं जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है, नुकसान हुआ है। और दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है जो कि ये आपको जान से भी मारना चाहा है। जी हाँ दोस्तों, कई बार इन्होंने आपके ऊपर ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे आप समाज में आपका इज्जत खराब हो जाए, आप जेल चले जाए। बहुत बार आपके ऊपर ऐसे प्रयास उन्होंने किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जातक तो जेल भी जा चुके हैं इनकी वजह से, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो नहीं गए हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शत्रु है बहुत ही शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि दोस्तों ये आपके ही साथ रहता है, आपके ही साथ उठना बैठना इसका होता है, इसलिए ये आपके राज को जानकर काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहा है। तो दोस्तों आपको इस बात का अब सख्त ध्यान रखना होगा। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये शत्रु एक नहीं है, दोस्तों चार पांच शत्रु है, जिनमें से तीन शत्रु आपके जीवनकाल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बन रहा है। एक प्रकार से कहें सबसे ज़्यादा हानि आपको इसी ने पहुँचाया है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको बता दें कि ये शत्रु आपके ही साथ रहते हैं और दोस्तों आपके ही साथ रहकर आपके सारे राज को जानते हैं, इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल ही बर्बाद कर देना चाहता है। और कई बार ये आपको बर्बाद भी किए हैं, कई सारे कार्यों में आपको नुकसान भी कराए हैं और बाद में आपको दिलासा भी दिया है कि ये तो आपको किस्मत में नहीं था, ये होनी था जो हो गया। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अब से आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि हम आपको बताने वाले हैं, उनसे आपको संभल कर रहना होगा और कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आपका ये बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें कि कोई बाहरी दुश्मन होता तो आप लड़ लेते, लेकिन दोस्तों जब आपके अपने ही घर के लोग आपको परेशान करने में लग जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये तकलीफ आप किसी और को भी बता नहीं सकते। किसी और को बताएंगे तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके ही ऊपर हंस देगा,
कि ये तो आपके अपने ही है, आप इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और यही किए, इसलिए दोस्तों आप किसी और को भी ये बातें नहीं बताएंगे। हालांकि दोस्तों आप इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखें कि ये शत्रु आपके साथ घूमते हैं और ये आपके अपने खास आदमी हैं, ये आपको आपके आगे बहुत ही मीठा बोली बोलते हैं और पीठ पीछे ये आपके छुरा भोंकने का कार्य करते हैं, और सामने जब भी आ जाए तो दोस्तों ये अच्छे बनने का दिखावा बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं और आप इन पर बहुत ही ज़्यादा यकीन भी कर लेते हैं। जी दोस्तों, आप बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान होते हैं, आपके अंदर छल नहीं होता है, इसलिए आप भी सोचते हैं कि सामने वालों को भी अंदर छल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये कलयुग में सारा इंसान आपके जैसा नहीं है। दोस्तों अगर सभी लोग आपके जैसे होते तो दोस्तों इस धरती पर दुख दर्द और संकट की समस्या कभी भी नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये इंसान आपके पीठ पीछे हमेशा खंजर भोंकने का कार्य करते रहता है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको ऐसे लोगों के साथ अपने जीवनकाल की गुप्त बातों को बिल्कुल भी साझा नहीं करना है। जी दोस्तों, आपके शत्रु आपके इन्हीं सब बातों को जानकर आपको क्षति पहुँचाने का कार्य करते हैं। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शत्रु से बचने के लिए आपको कौन से महा उपाय को करना चाहिए। फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अब आपको कौन सी सावधानियों को रखनी है जिनसे शत्रु आपको परेशान ना करे और आपके जीवनकाल में जो भी ग्रहों की स्थिति है वे आपके साथ दे और आप तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ें। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों बात करते हैं, सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं उनके लिए अलग उपाय बताएंगे और शत्रु का नाम नहीं जानते हैं उनके लिए भी अलग उपाय बताएंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपको अपने घर में पूजा पाठ करना है। जी दोस्तों, प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कभी कभी आपको इनमें से सुंदर कांड का भी पाठ करना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से शत्रु की जो बाधाएं होती है, शत्रु के जो विनाशकारी षड्यंत्र होते हैं दोस्तों वो समाप्त होते हैं और शत्रु अपने ही जीवनकाल में स्वयं के ही कार्यों में उलटते जाते हैं जिनके कारण वह किसी अन्य के कार्य में अड़चने डालने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों इनमें इतने शक्तिशाली है कि शत्रु खुद के ही षड्यंत्र में फंस जाएंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा दोस्तों वो खुद ही परेशान होगा और कोई भी आपका चाहकर भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको समय समय पर दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, इससे भी काफी हद तक लाभ होता है, शत्रु का नाश होता है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों एक कारगर और एक अचूक महा उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप शत्रु का नाम जानते हैं तभी दोस्तों इस उपाय को कीजिएगा। जी दोस्तों, ये काफी ही शक्तिशाली उपाय है, इन्हें कर देने से कोई भी व्यक्ति नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तभी इनका उपाय कीजिएगा, वरना दोस्तों इनका उपाय मत कीजिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि शत्रु का अगर नाम जानते हैं तो आपको 38 दाने उड़द के दाल लेने हैं, साथ ही साथ दोस्तों 40 से 42 दाने आपको चावल के दाने लेने हैं। जी दोस्तों, चावल बिल्कुल ही टूटे ना होना चाहिए, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, और साथ ही साथ दोस्तों एक हरी नींबू आपको लेना है। जी दोस्तों, और इन्हें ले जाकर संध्या के समय सूर्यास्त के बाद किसी सुनजान जगह पर, जी दोस्तों जहाँ पर कोई उस समय ना आए, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जहाँ पर जाएं उस जगह चार रास्ता होना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आपके कहीं पर भी ऐसे रास्ते हैं, छोटे भी रास्ते हो सकते हैं, पैदल चलने के भी रास्ते होने चाहिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों तरफ से आने जाने के रास्ते होना चाहिए। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और अब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको नींबू को चार भाग में काटना है और 6 इंच या फिर 8 इंच का आप गड्ढे खोद कर उस गड्ढे में अपने शत्रु का नाम लेना है, जितने भी आपके शत्रु हैं उस नींबू के निचोड़ कर उसमें डालना है और दुश्मन का शत्रु का भी आपको नाम लेते रहना है। जब वे सारे नींबू के रस गिर जाए तो दोस्तों चारों नींबू को चारों दिशाओं में फेंक देना है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों चारों रास्तों में उन्हें फेंक देना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो उड़द की दाल और जो चावल के दाने हैं उन्हें उसमें गड्ढे में रखकर दोस्तों उन पर मिट्टी ढक देना है
और आपको पीछे मुड़कर यानी कि दोस्तों पीछे मुड़ते हुए आपको वापस घर की ओर आ जाना है दोस्तों, दोबारा उधर देखना भी नहीं है जी दोस्तों। और जब भी आप ये क्रिया कहें कोई आपको रोके टोके ना, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये क्रिया करने के 7 दिन के मात्र ही दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु है जिनका आपने नाम का जप किया है दोस्तों, वो धीरे धीरे विनाश होने लगेंगे, उनका बर्बादी शुरू हो जाएगा जी हाँ दोस्तों। और वो अगर आपके अपने हैं, सगे संबंधी हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जी हाँ दोस्तों। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि हम कुछ नहीं किए हैं, वरना दोस्तों आपके जुनकाल में भी बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, आपके लिए भी विकट परिस्थिति बन सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आगे आपको क्या करना है दोस्तों, एक और बात, घर से कभी भी किसी कार्य के लिए जाएं तो किसी भी इंसान को बताएं नहीं कि हम इस जगह पर जा रहे हैं, इस कार्य के लिए जा रहे हैं जी दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखें, अपने बात को, अपने राज को हमेशा गुप्त रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आपको अपने आप में ही हर बातों को रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें जी दोस्तों। अपने इंसान को भी बताने से आपको परहेज करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए, अपने ही लोग आपके शत्रु बनते जा रहे हैं जी दोस्तों। आपकी तरक्की को कोई भी इंसान देख नहीं पा रहा है जी दोस्तों। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जी दोस्तों। अगर आप बाहर निकलते हैं, वाहन चलाते हैं, थोड़ी सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, रास्ते में कहीं भी जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। अगली बात, यश में आपको गुप्त रूप से शत्रु आपसे लड़ाई भी कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यश में किसी से आपको लड़ाई झगड़ना बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सब कार्यों में बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ना है। अगर कोई आपका मित्र किया गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो दोस्तों वहां से आपको हटकर घर की ओर आ जाना है जी दोस्तों। उसके लड़ाई में आपको बिल्कुल भी दखलअंदाजी नहीं करना है, वरना जो भी दो लोग लड़ रहे हैं अगर आप उसके बीच में जाएंगे तो दोस्तों सारा मुसीबत आपके सर पर ही पड़ सकता है जी हाँ दोस्तों। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि कोई भी मुसीबत के समय आप अपने आप को ध्यान रखें और आपको अपने घर आ जाना है जी दोस्तों। ये जो समय है आपको अपने घर का गुप्त योजना एवं नए कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं दोस्तों, ये सब बातों की जो कोई भी खबर किसी भी इंसान को ना दे, चाहे आपके कितना भी सगे रिश्तेदार हो या फिर किसी भी सगे संबंधी हो जी दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि घर में किसी का शादी का रिश्ता टूटा हुआ है, शादी के बारे में किसी का बात करना चाह रहे हैं तो दोस्तों उसके बारे में भी आपको किसी को नहीं बताना है, उससे भी नुकसान होगा, कार्यों में आपको असफलता प्राप्त हो जाएंगी, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों जो शत्रु है वह कौन है, उसको पहचानने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको समझ में अगर आ जाए कि वह कौन है, कौन सा इंसान है लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको कई बार दोस्तों मुसीबत में भी फंसाना चाहा है, कई बार आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाना चाहा है, जेल के चक्कर में भी वो पड़वाने चाह चुका है जी दोस्तों। कई बार उनकी कोशिश सफल भी हुई है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके साथ होने के कारण दोस्तों कई बार आप छूट भी गए हैं, वो समस्याएँ आपके साथ से हट भी गया है जी हाँ दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि अगर गाँव समाज में रिश्ता मानते हैं तो दोस्तों वह आपको लग सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना है कि दोस्तों इस बात को आपको लंबे समय से कई बार प्रयास करने का प्रयास कर चुका है, जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है दोस्तों। सीधे शब्दों में कहें तो दोस्तों आपके जान लेने का भी प्रयास बहुत सारे लोग कर चुके हैं जी दोस्तों। ध्यान से सोचेंगे तो कुछ दोस्तों आपको समझ में भी आ जाएगा, उसे आपको सतर्क रहना होगा और कभी भी उनके कुछ बातों में आपको कुछ भेजना नहीं है, कोई बात कहेगा कुछ भी बातों में आपको कितना भी चाहे लालच देगा दोस्तों, उनकी बातों में आपको आकर कोई भी कार्य नहीं करनी है, इस बात का बस आप ध्यान रखें, नहीं तो दोस्तों मुसीबत में ये आपको डाल सकता है। और दोस्तों यह समय घर के आसपास के लोग आपको इसमें अपने पत्नी बच्चों के खिलाफ भी आपको भड़का सकता है जी दोस्तों, आपको उस स्थान से भी आपको सतर्क रहना होगा। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों एक शब्दों में कहें तो इंसान आपको चाहता है कि कैसे आप अपनों में ही लड़कर, अपनों में ही कटकर दोस्तों अपना नुकसान कर बैठे हैं और ये बिना कुछ किए ही आपके लाभ ले सके जी हाँ दोस्तों।
यूं कहें तो सांप में भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दोस्तों ऐसा षड्यंत्र ये आपके खिलाफ रचते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को लेकर सावधान रहना है और शत्रु के लिए आपको उपाय करना है। और दोस्तों उनके लिए आपको निश्चिंत रहें कि ये शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आगे हम कुछ आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके जीवनकाल के और भी बहुत सारे कार्य आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी कोई भी सगे संबंधी हो जिनको पेशा देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो आपसे पेशा मांग रहा है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेशा मांगते समय आप उन्हें दे दीजिएगा, लेकिन दोस्तों उधार कहने की बात उन्हें मत बोलिएगा। दोस्तों अगर वो कहे कि हम उधार मांग रहे हैं तो दोस्तों पेशा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। दोस्तों अगर वो कह रहे हैं कि दोस्तों ये पेशा हम इस काम में लगाएंगे तो दोस्तों आप उन्हें पेशा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप अपने बजट को देखते हुए दीजिएगा। और दोस्तों सूर्यास्त के बाद आपको पेशा बिल्कुल भी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सूर्यास्त की बात दे देंगे तो दोस्तों आप अपने घर से ही माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इनसे परेशानी आपके घर आ सकती है। तो दोस्तों धन की दिक्कत इन्हीं कारणों से होती है, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो दोस्तों आपके जीवनकाल में माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कोई भी आपके रोजगार में शत्रु बन रहा है तो दोस्तों उसके लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए, दोस्तों इन बातों को आप ध्यान सुनिएगा। दोस्तों आप किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करें, हरे रंग की चूड़ी आप उन्हें दान कर सकते हैं। इसी दोस्तों जो भी अकाल आपके घर में आ रहा है, जो भी बाधाएं आपके जीवनकाल में आ रही है, जो भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, दोस्तों वो मुसीबत समाप्त हो जाएंगी, उसी आपको छुटकारा मिल जाएगा और देखते ही देखते आपके जो आर्थिक स्थिति है घर की वह बेहतर होने लग जाएगा। यानी कि दोस्तों इस उपाय से आपकी धन की संबंधित जो भी समस्याएं वो सभी समाप्त हो जाएंगी, धर्म में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा, नए रोजगार की प्राप्ति होगी। शादी शाद दोस्तों जो लोग नए रोजगार की जो है कामना कर रहे थे उन्हें मनचाहा रोजगार भी इनसे मिलती है। तो दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही सिद्ध उपाय है, इन्हें आप जरूर ही कीजिएगा। शादी शाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न के लिए आपको माँ लक्ष्मी का सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। जी दोस्तों माँ लक्ष्मी के लिए जो उसका मंत्र है ओम भूर भुव स्वाहा, दोस्तों इस मंत्र का भी आपको रोजाना पाठ करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों शुक्रवार के दिन आप अवश्य कीजिएगा। अगर आप बाहर में हैं, काम में कार्यरत हैं तो दोस्तों शुक्रवार के दिन कीजिएगा। अगर आप घर में हैं तो दोस्तों आप रोजाना भी सुबह उठकर कर सकते हैं, नहा धोकर बिल्कुल ही पूजा पाठ की सामग्री को लेकर दोस्तों आप इस उपाय को कीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है। इससे दोस्तों घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है और धन की वर्षा होने लगती है, कारोबार में बहुत ही अधिक बढ़ोतरी होती है, नए कारोबार मिलते हैं और जो भी कारोबार है उनमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की व्यक्ति को मिलते रहता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कार्य में अगर आपको असफलता हाथ लग रही है या फिर कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए आपको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन सूर्योदय होने से पहले पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, इससे आपके घर में वृद्धि होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, धन में काफ़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी और जो भी तरक्की का स्रोत है वो बढ़ेगा। रोजगार कारोबार में आपको नई उम्मीदें दिखाई देंगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी और आपका कार्य देखते ही देखते बढ़ता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवनकाल में आर्थिक तंगियां से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो दोस्तों आपको कन्याओं का सम्मान करना शुरू कर देना है, यानी कि दोस्तों स्त्री का आपको अपमान करने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ आप सभी को बता दें कि जो भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में किसी भी स्त्री वर्ग के लोगों को आप अपमान कर देते हैं तो दोस्तों इससे धन की समस्या आपके जीवनकाल में आती ही है। चाहे आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो या फिर कोई भी बड़ा धंधा आपका क्यों ना चल रहा हो। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको कन्याओं का स्त्री का अपमान नहीं करना है। स्त्री साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप होती है। जी दोस्तों, भले ही उसका रंग रूप, उसका चेहरा कैसा भी हो, लेकिन दोस्तों औरत में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, माँ लक्ष्मी का स्रोत माना गया है। जी दोस्तों, चाहे वह स्त्री कितना भी गलत कर रही हो या फिर कोई भी कार्य कर रही हो, उसके ऊपर माता लक्ष्मी का स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों आपको कभी भी किसी भी औरत को अपशब्द नहीं बोलना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपको हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी और धन संपत्ति में आपको हमेशा वृद्धि देखने को मिलेगा।
कभी भी आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इस बातों का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इन्हें आप कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।